आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में फिर से एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, हमने हमेशा एक डॉक्टर के बारे में हमने स्पेशली बात किया है। आज हम केयर वेल हॉस्पिटल जो महेश नगर स्थित है, यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक शिंदे, फेलोशिप इन सिंगापुर, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। इनसे हम जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में डिटेल्स बात करने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद आरोग्य जागृति में मुझे मौका देने के लिए। जैसे आपने पूछा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो रीज़न है जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की जब ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला रीज़न है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें घुटनों की घुटने का अंदर का जो कुर्चा है वो ख़राब हो जाता है। वो ख़राब होने के काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो अपन उम्र बोलते, जिसको अपन नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर बोलते। उम्र जैसे बढ़ने वाली है, वैसे घुटने की घुटने का चीज़ या घुटने का जो कुर्चा है वो ख़राब होने ही वाला है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट अभी के जिस ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है वेट रिडक्शन और ओबेसिटी। ओबेसिटी क्योंकि घुटना ये ग्रेविटी जॉइंट है, जैसे अपन खड़े हो जाते हैं तो पूरे शरीर का वजन अपने घुटने के ऊपर आता है। इसके वजह से अपना घुटना, अगर वजन ज़्यादा होगा तो घुटने का कुर्चा या घुटना जो है जल्दी ख़राब हो जाता है, और उसके वजह से अपने को जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की जल्दी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है संधिवात जो है वो अपना जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उससे अलग है। संधिवात को जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें सिर्फ घुटना ही नहीं तो बाकी शरीर के बाकी सारे सांधे जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जनरली महिलाओं में ये संधिवात ज़्यादा कॉमन है। 30 से 40 साल की जो महिला है उनमें ये संधिवात की शुरुआत हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि ये संधिवात सिर्फ महिलाओं में होता है, पुरुषों में भी, पुरुष जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो भी एक वात रहता है, वो भी संधिवात रहता है, उसके वजह से भी घुटना या खुबे का जॉइंट जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें भी जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसे आप आम वात जो बोलते हैं, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें यूरिक एसिड, खून में यूरिक एसिड बढ़ने के वजह से वो जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है और उसके वजह से घुटना जल्दी ख़राब हो जाता है, वो इसमें भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा भी जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, ऐसा कौन सा वर्किंग बंद हो जाता है घुटने में जबकि अपनी जॉइंट रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी है? जैसे मैंने बताया कि घुटना, मतलब उम्र के वजह से घुटना घिस जाता है तो तभी उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे अदर रीज़न है, जैसे में घुटने के अंदर अगर मार लग गया है और उसके वजह से घुटनों को बाक आ गया है, घुटने टेढ़े हो जाते हैं, उसमें भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर घुटने की हलचल अगर कम हो गई है दर्द के वजह से हो, या फिर पूरा घुटना मुड़ नहीं सकता है और हमेशा घुटना दर्द करता है, ये सारी चीज़ें में घुटने रिप्लेसमेंट करने या जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मोस्टली जो हमारे यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनका ये बोलना रहता है कि डे बाय डे, अभी तीन चार महीने से मेरा ज़्यादा दर्द कर रहा है घुटना, बट ये काफ़ी सालों से चल रहा है, और डे बाय डे उनकी घुटने की, मतलब चलने की क्षमता कम हो जाती है, उठना बैठना कम हो जाता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना कम हो जाता है, एक रूम में से दूसरे रूम में जा नहीं सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी डे बाय डे हो रही है और आपको रोज़ घुटने का दर्द कम करने के लिए दवाई लग रही है, तो आप समझ लेना कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपने अभी तो जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत से किए हैं,
ऐसे में आपको ज़्यादा कौन से पेशेंट की समस्या है बताया कि इसकी वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है? जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की वजह है वो है दर्द। घुटने का दर्द लोगों को बिल्कुल सहन नहीं हो सकता है। घुटने के दर्द की वजह से उनका चलना, उठना, बैठना कम हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि इतना दर्द हो जाता है कि वो एक खोली में से दूसरे खोली में खाना खाने के लिए भी जा नहीं सकते। जो अपने डेली एक्टिविटी है, जैसे उठना बैठना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, या फिर कभी कभी पलाती मार के बैठना है, जैसे नमाज़ को पढ़ने बैठना है, ये सारी चीज़ें वो कर नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप कर नहीं पाते, ये सारी चीज़ें ये है, ये उनके कॉमन कंप्लेंट्स है। इसके वजह से उनको लगता है कि नहीं, अभी हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट करना चाहिए। जॉइंट रिप्लेसमेंट किया इसके बाद में ऑपरेशन करने बाद क्या जोखिम होती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जॉइंट रिप्लेसमेंट मैं कहूँगा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ये है, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर्जरी है। मतलब ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है या फिर कोई कोई जीवनावश्यक सर्जरी नहीं है। ये सर्जरी करना, मतलब अच्छे से करने का करना इतना जितना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सर्जरी करने के बाद फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये सर्जरी का जो सक्सेस है, ये सर्जरी का जो अच्छे रिजल्ट अगर पेशेंट को चाहिए, तो उनको अच्छे से अच्छे फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑपरेशन के बाद। बहुत सारे पेशेंट हैं कि ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन के बाद उनका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का है वो दर्द चला जाता है, लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट का दर्द थोड़ा सा रह जाता है। बट वो अगर आप अच्छे से फिजियोथेरेपी करोगे तो वो सारा दर्द चला जाता है। जितना अच्छा ज़्यादा घुटना मोड़ोगे, जितना अच्छा ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट में मिलेगा। अभी देखा गया है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बहुत से डॉक्टर भी मना करते हैं और पेशेंट ने इनमें बहुत गैर समझ है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों में गैर समझ है। काफ़ी सारे डॉक्टर भी करने में मना करते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद आप जगह पे बैठ जाओगे या फिर आपको जैसे पहले चल नहीं आता था वैसा चल नहीं पाओगे। देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जॉइंट रिप्लेसमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर्जरी है। जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद अपने को पेशेंट को मैराथन में दौड़ाने का नहीं है। पेशेंट ने अगर उसकी डेली एक्टिविटी, जैसे चलना है, उठना बैठना है, बाहर मार्केट में जाके कुछ काम करना है, ये सारी चीज़ें करना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये प्राइमरी एम है। अगर ये अच्छे से जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात कर सकते हैं, अगर आप देखा जाए वर्ल्ड लिटरेचर में, ऑर्थोपेडिक में जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी। एक अगर ये अच्छे से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जिनकी अच्छी सी फेलोशिप, जिनका जॉइंट रिप्लेसमेंट में नॉलेज है, इन्होंने अगर परफॉर्म किया, तो इसका सक्सेस रेट ये मोर देन 95% है। अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट के फेल होने के या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे पेशेंट फैक्टर है, या फिर ऑपरेशन होने के बाद गिर जाना, या फिर ऑपरेशन होने के बाद अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, या फिर बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा फेल्योर रेट नॉर्मल इसमें बढ़ जाता है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर जिनमें इंडिकेशन है, जो चल ही नहीं पा रहे, जिनका उठना बैठना कम हो गया है, जो डेली एक्टिविटी भी कर नहीं सक रहे, उन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ज़रूर करवाना चाहिए।